Hello and welcome to CVR English. I'm Idris and welcome to our big story tonight. It's a dramatic and uncertain time in Maharashtra as political tensions rise ahead of the much awaited government formation. With the BJP and Shiv Sena at odds, Eknath Shinde's future role in the government remains unclear, despite the BJP's overwhelming mandate, as leaders like Devendra Fadnavis and Ajit Pawar prepare a grand swearing-in ceremony. The question on everyone's mind, will Shinde accept his new position? Or is he set to remain the sulking uncle of Maharashtra politics? Stay with us as we dive deep into the latest developments, exclusive details and expert analysis of what is at the stake for Maharashtra and its people. All this and more coming up in our today's big story. Eknath Shinde is the outgoing Chief Minister of Maharashtra, has left the state in a state of uncertainty regarding his future role in upcoming government. Despite speculations around his involvement in the new cabinet, he has cancelled all his meetings citing health reasons. His son, Shrikant Shinde, has labelled reports suggesting his father would join the government as Deputy Chief Minister as baseless. Shrikant has firmly stated that neither he nor his father is seeking any portfolios, leaving many wondering about Shinde's stance in the evolving political scenario. देखिए कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है. जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा. मैंने बुधवार के दिन पूरी थी और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है. उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है और स्पष्टता से मैंने कहा है. मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं. मैंने पूरी तरह कहा है मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है. मेरी तबीयत अच्छी है. मैं यहां पर आया था रेस्ट करने के लिए. अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में. मैं एक एक दिन में आठ आठ दस दस सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे दो ढाई साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं. मैं यहाँ भी आता हूँ. यहाँ भी जनता दरबार होता है. लोग आते हैं. अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने. वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है. मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी अभी ठीक सर. ओपोजिशन और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है. जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा. मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है. ऑलरेडी दे दिया है. आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करनी है? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है. उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है और स्पष्टता से मैंने कहा है. मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं और मैंने जो काम किया है जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े सवा दो ढाई साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी ये देखो. मैं इतना ही कहूँगा इतनी योजनाएं ढाई साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा ये भी मैं बताता हूँ. क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ ये सर्व सामान्य आम आदमी का सरकार है गरीब का सरकार है ये हम बोलते थे वैसे करके दिखाया है. इसलिए ढाई साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है. इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है. और मैंने पूरी तरह कहा है मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है. और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ सरकार स्थापित हो जाएगी अच्छी तरह से हो जाएगी. कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है
और हमें क्या मिला, और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है, अभी हमें उनका विकास करना है। ये A new government in Maharashtra led by Devendra Fadnavis will be sworn in on December 5 with NCP leader Ajit Pawar serving as Deputy Chief Minister. Prime Minister Narendra Modi is anticipated to attend the ceremony, lending further weight to the occasion. Before the oath taking, the BJP's legislative party is expected to elect Fadnavis as its leader, with Nirmala Sitharaman and Vijay Rupani from the central party leadership overseeing the process. This will mark a pivotal moment in Maharashtra's political landscape as the BJP-led government takes shape. मीटिंग होने जा रही है, तो अपने बीजेपी के पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग है कल होगी, और बीजेपी के जो प्रभारी है ऑब्जर्वर है वो भी मतलब कल जा रहे हैं, और वो सब एमएलए का जो ओपिनियन है सुनेंगे, और माननीय मोदी साहब और अमित शाह साहब जो नाम न देंगे उस नाम को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कल देवेंद्र फडणवीस का ये नाम अनाउंस हो सकता है, और देवेंद्र फडणवीस जी का कार्यकाल 2014 से 19 तक का बहुत अच्छा रहा है, और अभी डिप्यूटी सीएम पद पर रहकर भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व उन्होंने काम भी किया है। लेकिन सर कल एकनाथ शिंदे ने फिर से कल दिल्ली में जो मीटिंग थी वो स्किप कर दी, सिर्फ अजीत दादा पवार ही दिल्ली में पहुंचे थे होम मिनिस्टर से मिलने के लिए। हाँ तो ठीक है, मतलब अजीत दादा पवार जी इधर आए थे, क्या पोर्टफोलियो या मंत्री पद कितने देना है क्या उस पर चर्चा करने के लिए अजीत दादा आए थे, लेकिन अजीत दादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एकनाथ शिंदे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं है, और बीजेपी के हाई कमांड ने उनको ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई इस वक्त आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, आपको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद हमने दे दिया था, तो इसीलिए अभी उनके सामने एक अल्टरनेटिव है कि वो महायुति का अध्यक्ष पद वो स्वीकार सकते हैं, और मतलब महाराष्ट्र में वो रह सकते हैं, या केंद्र में मंत्री बनाए तो मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन शायद उसके लिए वो तैयार नहीं, वो काफ़ी नर्वस भी है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में Amid the political developments, Eknath Shinde has remained quiet, with some reports hinting at his dissatisfaction with the portfolios offered to him. His demand for Home Ministry was reportedly rejected by the BJP, who instead proposed that he take on urban development portfolios. Shinde's unwillingness to attend talks in Delhi, citing health concerns, has only deepened the air for uncertainty surrounding his role, fueling speculations about his future in the government. सबको पता है कि बीच में महाराष्ट्र में असेंबली का चुनाव चालू था, पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त जितना अपने को सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल सका, लेकिन हम उसमें नाराज नहीं हुए, वहाँ के कार्यकर्ता नर्वस नहीं हुए, सबने वापिस जिम्मेवारी ली, और आने वाले असेंबली के चुनाव में किसी हालत में पार्टी का अच्छा रिजल्ट कैसे हम ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक एनसीपी के कैसे जीत के ला सकते हैं, इसके बारे में हमने सबने मिल की कोशिश की। वहाँ के वोटर ने भी अपने को सपोर्ट किया बहुत अच्छी तरह से, कुछ कुछ अपने कैंडिडेट 1 लाख से ज़्यादा वोटों से भी जीते, कोई 50,000 से 60,000 से 70,000 से 80,000 से, इससे बहुत बड़े मार्जिन से जीते। अभी अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि ईवीएम का कोई घोटाला था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो ईवीएम बहुत अच्छा था क्योंकि उनके ज्यादा सीटें आई, और इस दफा ईवीएम में रिजल्ट अलग आया तो ईवीएम को वो सब दोष दे रहे, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी वो जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में स्टेटमेंट किया, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, इलेक्शन कमीशन ने भी बताया इतने सालों से अपने महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में ईवीएम का वोटिंग होता है, और कभी किसी की कंप्लेंट नहीं, कभी आपने भी देखा दिल्ली में अपोजिशन वालों का गवर्नमेंट आया, पंजाब में आया, वेस्ट बंगाल में आया, तेलंगाना में आया, कर्नाटक में आया, केरला में आया,
ऐसे अलग अलग स्टेट में बहुत जगह स्टेट इलेक्शन का चुनाव के बाद हमने रिजल्ट देखे, लेकिन अभी इतना बड़ा उनको अपहेश आया, इसीलिए वो कुछ ना कुछ इशू ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन आज मेरे दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट ने और उनके सभी साथियों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ हमारा स्वागत किया है। मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। अभी आप सबको पता है कि बीच में महाराष्ट्र में असेंबली का चुनाव चालू था। In Maharashtra's political history, it has become a familiar pattern for prominent leaders to sulk when a new government is formed. The situation this time mirrors events from 5 years ago when Shiv Sena's Uddhav Thackeray ditched the BJP after their alliance's victory and formed a government with the Congress and NCP. Similarly, Eknath Shinde now finds himself in the role of the sulking leader. Despite being part of BJP-led alliance, his reluctance to accept the terms offered to him by the BJP echoes the same disgruntlement seen in the past political standoffs. As the drama unfolds in Maharashtra politics, Eknath Shinde's position resembles that of reluctant participant in a grand political wedding. In this metaphor, Shinde is portrayed as a fufa uncle sulking in the background, while the BJP represented by Fadnavis takes center stage. Despite his tantrum, Shinde is expected to bow to the people's mandate for a BJP-led government. His refusal to let go of his ambitions will eventually have to give way to political realities, especially given the clear mandate in the favor of BJP. तबीयत चांगली आहे, चेकअप साठी आलो होतो आणि आता तब्येत उत्तम आहे। छोटा सिंगल आईडी भाई, प्लीज प्लीज, एक मिनट बोल रहे, बोल रहे सर भाई, एक छोटी कहाँ जा रहा है? मुंबई चल। मुंबई एक भाई एक छोटी सी भाई एक सिंगल आईडी भाई, एक सिंगल आईडी भाई।
At Azad Maidan in Mumbai, preparations are in full swing for the swearing-in ceremony of new Maharashtra government. A grand stage is being set up and seating arrangements are being made, but there remains uncertainty over who will take the oath. With the BJP, Shiv Sena and NCP leaders all in different states, as the day approaches, the finalization of the leadership is yet to be completed. Adding to the suspense surrounding the event, the ceremony planned for December 5 could be delayed further based on the final decision made by the party leaders. और जहाँ जहाँ उन्होंने रैलियाँ की वहाँ सभी महायुति के उम्मीदवार बड़ी बहुमतों से वहाँ पर चुन के आए. बस इसके लिए हम सभी हमारे शिवसेना के सांसद और मैं मंत्री के नाते वहाँ जाके उनको मिल के आए और उनको हमने धन्यवाद दिया, आभार भी प्रकट किया. सरकार गठन पर कोई चर्चा हुई है गृह मंत्री? नहीं, सरकार गठन पर कोई चर्चा नहीं थी, वो आज का विषय भी नहीं था. सरकार गठन के लिए हमारे मुख्य नेता एकनाथ राव शिंदे जी, भाजपा के नेता फडणवीस जी और राष्ट्रवादी के नेता अजीत दादा जी सक्षम है. तीनों का मेल भी बहुत अच्छा है और हमारे अभी मैंने टीवी पे उनकी पत्रकार परिषद शॉर्ट में देखी तो उन्होंने खुले दिल से और बड़ेपन से ये कह दिया कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे पसंद होगा या निर्णय मुझे मान्य होगा. सर, शिवसेना के सांसद के तौर पर, शिवसेना के नेता के तौर पर आप लोगों की क्या भावनाएं हैं? ये देखो, आप देख रहे हैं कि जो भी पार्टी में जो भी कार्यकर्ता काम करता है, चाहे वो पार्टी छोटी हो बड़ी हो, सभी को ऐसा लगता है कि मेरे पार्टी का नेता ऊंचे पद पे बैठना चाहिए. वही अपेक्षा हमारी सबकी थी, हमारे लोगों की भी थी और महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं चैनलों में कि बहुत सारी जगह का कार्यकर्ता ने भी वहाँ पर उनके लिए भगवान को भी उन्होंने दर्शन किए, कहाँ पर उन्होंने वहाँ पर होम हवन यज्ञ भी किए गए. तो ये तो चलता ही रहता है, लेकिन जो निर्णय लेना है वो महायुति के नेता लेंगे और हमारे दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी योग्य निर्णय लेंगे और जो निर्णय वो लेंगे वो सभी महायुति के नेताओं को और कार्यकर्ता को मान्य रहेगा. कब तक संभावना है सर? अभी संभावना तो नहीं, लेकिन जल्द से जल्द अभी हो जाएगा क्योंकि अभी मेरी जो मालूमात है कि अभी बीजेपी की पार्टी मीटिंग नहीं हुई, अभी उनकी पहले कल या कभी पार्टी मीटिंग हो सकती है. गट नेता चुना जाएगा, वहाँ का सभागृह का नेता को भी चुना जाएगा और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी. तो जल्द से जल्द, अभी उसमें कोई वाद विवाद नहीं. The BJP is set to hold a meeting with its legislative party at the Vidhan Bhavan, where party members will choose their leaders for the upcoming government. While Devendra Fadnavis is the front runner for the chief minister's post, the delay announcing his selection has raised questions within the political circles. The BJP's internal deliberations and the uncertainty surrounding the top leadership position in Maharashtra are causing some concern, despite their overwhelming victory in the state elections. ये गाड़ी दिवस भाऊ, गाड़ी काढ आपली गाडी कुठे? ज्युपिटरला झालेत सगळे. तब्येत कशी आहे सर? तब्येत While Shinde publicly stated that he won't obstruct government formation, has remained largely absent from the key meetings leading up to the swearing-in ceremony. His repeated absence from Mumbai, first due to the personal reasons and now due to ill health, have fueled speculations about his reluctance to accept the situation.
Despite the delays and his critical stance, Shinde has affirmed that he will accept whatever decision the BJP leadership makes regarding the chief minister's post. Within the Shiv Sena, there is a growing sense of frustration regarding the way the situation is unfolding. Deepak Kesarkar, a senior leader, emphasized that the assembly elections were fought under Eknath Shinde's leadership, but it is now the BJP's responsibility to ensure that his stature is respected. Kesarkar made it clear that Shinde has already expressed his willingness to accept the BJP's decision regarding the chief minister's post. However, some reports suggest that Shinde is pushing for the home portfolio, which the BJP has not agreed to, complicating matters further. BJP candidate for Maharashtra CM has said already given my unconditional support. Till the time the CM is not sworn in, we will continue to see the tantrums. If he had given this unconditional support, what made him take a 2-day off and did not attend any meetings? Why is it that they have to again go back to Delhi to decide who will be the chief minister face? And how the portfolios will be distributed. Why did he go into this incredible sulk after meeting Amit Shah? So if you have given the responsibility to Mr. Amit Shah, you've given the responsibility to the Prime Minister of India. And if you look at it, it is the Bharatiya Janata Party which has won a larger mandate. So it becomes, I do not know why he keeps saying this, that he says that he's absolutely doesn't have a problem. Yet we don't see who the CM candidate is. We don't know when the oath-taking ceremony is. Please remember, it is just Mr. Bawan Kule who has gone and put it out on Twitter that there is going to be a swearing-in ceremony on 5th December. None of the three alliance partners have approached the governor with a letter of saying that they have the number of seats and they are willing to take oath together. The governor house has yet not issued the dates. And for them to proclaim, so is BJP now going to decide how the governor will work? That entire shadow boxing that we used to see, is it now very clear that the constitutional chair that the governor holds is no longer valid in Maharashtra? It is all going to be run from the headquarters of the Bharatiya Janata Party. Eknath Shinde backs BJP candidate for Maharashtra CM has said already given my unconditional support. Till the time the CM is not sworn in, we will continue to see the tantrums. If he had given this unconditional support, what made him take a 2-day off and did not attend any meetings? Why is it that they have to again go back to Delhi to decide who will be the chief minister face and how the portfolios will be distributed? Why did he go into this incredible sulk after meeting Amit Shah? So if you have given the responsibility to Mr. Amit Shah, you've given the responsibility to the Prime Minister of India. And if you look at it, it is the Bharatiya Janata Party which has won a larger mandate. So it becomes, I do not know why he keeps saying this, that he says that he's absolutely doesn't have a problem. Yet we don't see who the CM candidate is. We don't know when the oath-taking ceremony is. Please remember, it is just Mr. Bawan Kule who has gone and put it out on Twitter that there is going to be a swearing-in ceremony on 5th December. None of the three alliance partners have approached the governor with a letter of saying that they have the number of seats and they are willing to take oath together.
The governor house has yet not issued the dates. And for them to proclaim, so is BJP now going to decide how the governor will work? That entire shadow boxing that we used to see, is it now very clear that the constitutional chair that the governor holds is no longer valid in Maharashtra? It is all going to be run from the headquarters of the Bharatiya Janata Party. Eknath Shinde backs BJP candidate for The Shiv Sena led by Eknath Shinde continues to push for the home ministry in the new government. However, the BJP has not agreed to this demand and tensions between the two parties have become evident. Despite Shinde's previous statement that he would accept BJP's decision, the Sena is reportedly dissatisfied with the offer made to them, which has contributed to the delays in finalizing the government formation process. बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी. जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है. आप एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए. चाहे उनके एक अलग पार्टी अलग गुट बना है लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है. मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है. जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो. लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी. कल भी बैठे थे ना तो आपस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे. जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने उनको मानना पड़ेगा. हाई कमांड है. सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं. देखिए पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे वो डीसीएम बन गए. एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे. कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है. अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे. अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है. बच्चे नहीं वो तो सदैव डीसीएम है. वो सदैव डीसीएम है सदैव डीसीएम रहेंगे. आजकल देखता हूँ उनके चेहरे पर बहुत हंसी है. दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के. उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में ख़त्म हो गई थी. ईवीएम की कमाल है. अब बारामती हो या थाना हो. And that's a wrap on our big story tonight. As Maharashtra's political drama unfolds, it remains to be seen how the situation will resolve and what lies ahead for Eknath Shinde, Devendra Fadnavis and the people of the state. One thing is clear, the coming days will be crucial for the future of the government and its leadership. Thank you for joining us today on this special coverage.